नमस्कार, साथ की विस्तार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और खबरों की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में मालवा से बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। उन्होंने रविवार को इंदौर में बीजेपी के विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं को 2023 और 2024 के चुनावी जीत का संकल्प दिलाया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। धारा 370 को कांग्रेस ने बच्चे की तरह सालों तक पाल रखा था। पीएम मोदी ने धारा 370 खत्म कर कश्मीर को भारत से जोड़ने का काम किया है। इसके अलावा अमित शाह ने मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। इसके अलावा अमित शाह ने इंदौर के जानापाव में जानकेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया, साथ ही नव निर्मित परशुराम मंदिर में भी पूजा अर्चना की। कांग्रेस की सरकार 70 साल चली मगर गरीबों के लिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए और गरीब कल्याण के कामों के कारण ही आज नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के अंदर गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। मित्रों, मैं देश की बात नहीं करना चाहता, सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करना चाहता हूं। कमलनाथ की सरकार थी, किसान कल्याण निधि, किसान सम्मान योजना मोदी जी ने चालू करी। कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के किसानों के नाम नहीं भेजे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायकों के परफॉर्मेंस को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने अधिकांश विधायकों के परफॉर्मेंस को बेहतर करार दिया है। सीएम के बयान ने फिर से सियासत गर्मा दी है। सीएम ने क्यों किया विधायकों के परफॉर्मेंस पर कमेंट, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लगातार सर्वे रिपोर्ट्स पर मंथन कर रही है। रिपोर्ट को लेकर चर्चा है कि लोग राज्य सरकार के कार्यों से तो खुश हैं, लेकिन कई सीटों पर विधायकों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। 22 विधायकों और 4 मंत्रियों के कामकाज को सर्वे में संतुष्टिपूर्ण नहीं पाया गया है। यही वजह है कि सियासी गलियारों में उनके टिकट कटने की चर्चा है। लेकिन अब सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि ये भाजपा का हथकंडा है। पहले तो राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश की, अब विधायकों पर आरोप लगाया जा रहा है। सीएम ने कहा कि हमारे अधिकतर विधायकों का परफॉर्मेंस अच्छा है। इधर पूर्व मंत्री और भाजपा के महामंत्री केदार कश्यप कहते हैं, अगर विधायकों और मंत्रियों का परफॉर्मेंस अच्छा होता तो बदलाव की जरूरत नहीं होती। अब जनता भी विधायकों और सरकार को बदलने के मूड में है। हमारे अधिकांश विधायक और मंत्री का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तभी सरकार रिपीट होगी भाई। अभी यदि परफॉर्मेंस खराब है तो सरकार कैसे बनेगी? एक तरफ कहते हैं सरकार रिपीट होगी और दूसरे तरफ कहते हैं कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो विधायक जीतेंगे तभी सरकार बनेगी। हमारे अधिकांश विधायकों की स्थिति ठीक है, जो अपने दम पे चुनाव जीतते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्टी के सिंबल में भी जीतते हैं, तो ऐसा नहीं अब जो पहली बार जीते हैं उसके बारे में कहेंगे विपरीत परिस्थिति में जीता, ऐसा नहीं कह सकते। स्थिति ये है कि हमारे अधिकांश विधायकों का मंत्रियों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी अब समझ गए हैं कि राज्य सरकार के कितना भी आलोचना कर लें वो उल्टा ही पड़ेगा। अब वो टारगेट किए हैं विधायकों को। गुटबाजी इतनी हावी है इस कांग्रेस पार्टी में कि अब ये मोर्चा के अध्यक्ष बदल रहे हैं, अपने पीसीसी के अध्यक्ष बदल रहे हैं, किसी को मंत्री बना रहे हैं, किसी को डिप्टी सीएम बना रहे हैं, और नहीं मालूम कितने पदों से किस किस को नवाजने की तैयारी चल रही है। जो भी है 2 महीने के भीतर में ये पूरा कर ले, 2 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि जनता ने समझ लिया है कि आप छत्तीसगढ़ को नहीं बदलने वाले, अपने मंत्रियों को बदलेंगे, आप मुख्यमंत्री को करेंगे, आप अपने पीसीसी के अध्यक्ष को बदलेंगे, यहाँ की तस्वीर नहीं बदलेंगे। अब बदलेगी तो यहाँ की जनता आपको बदलेगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में
पार्टी को बहुमत मिलने की बात कही गई है, लेकिन कई सीटों में विधायकों का परफॉर्मेंस पार्टी की चिंता बढ़ाने वाला है। इसे लेकर सीएम और कांग्रेस संगठन ने विधायकों को सचेत किया था। ऐसे में अब सीएम भले अधिकतर विधायकों का परफॉर्मेंस अच्छा होने की बात कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन वे विधायकों के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं इसका पता टिकट वितरण के बाद ही चलेगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। रविवार को मन की बात का 103वां एपिसोड जारी हुआ है। पीएम मोदी ने मन की बात में मध्य प्रदेश के शहडोल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पकरिया गांव के आदिवासी भाई बहनों से मेरी मुलाकात हुई थी, वहीं पर मेरी उनसे प्रकृति और पानी के बचाव के लिए भी चर्चा हुई थी। पकरिया गांव के आदिवासी भाई बहनों ने इसे लेकर काम भी शुरू कर दिया है। यहां प्रशासन की मदद से लोगों ने करीब 100 कुओं को वाटर रिचार्ज सिस्टम में बदल दिया है। अब सभी गांव वालों ने पूरे क्षेत्र में करीब 800 कुओं को रिचार्ज कर इस्तेमाल करने का लक्ष्य बनाया है। पीएम मोदी ने शहडोल के ही विचारपुर गाँव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये गांव आज उभरते सितारों का गढ़ बन गया है। 2 दशक पहले तक ये गांव अवैध शराब के लिए बदनाम था, लेकिन एक पूर्व नेशनल प्लेयर और कोच रईस अहमद ने इन युवाओं की प्रतिभा को पहचाना। रईस ने युवाओं को फुटबॉल सिखाना शुरू किया। कुछ साल के भीतर ही यहां फुटबॉल इतना प्रसिद्ध हो गया कि विचारपुर गांव की पहचान ही इससे होने लगी। अब यहाँ फुटबॉल क्रांति नाम से एक प्रोग्राम भी चल रहा है। एमपी के शहडोल में एक गांव है विचारपुर। विचारपुर को मिनी ब्राजील कहा जाता है। मिनी ब्राजील इसलिए क्योंकि ये गांव आज फुटबॉल के उभरते सितारों का गढ़ बन गया है। विचारपुर गांव अवैध शराब के लिए बदनाम था, नशे की गिरफ्त में था। इस माहौल का सबसे बड़ा नुकसान यहां के युवाओं को हो रहा था। एक पूर्व नेशनल प्लेयर और कोच रईस अहमद ने इन युवाओं की प्रतिभा को पहचाना। रईस जी के पास संसाधन ज्यादा नहीं थे, लेकिन उन्होंने पूरी लगन से युवाओं को फुटबॉल सिखाना शुरू किया। कुछ साल के भीतर ही यहां फुटबॉल इतनी पॉपुलर हो गई कि विचारपुर गांव की पहचान ही फुटबॉल से होने लगी। कुछ समय पहले मैं एमपी के शहडोल गया था। वहां मेरी मुलाकात पकरिया गांव के आदिवासी भाई बहनों से हुई थी। वहीं पर मेरी उनसे प्रकृति और पानी को बचाने के लिए भी चर्चा हुई थी। अभी मुझे पता चला है कि पकरिया गांव के आदिवासी भाई बहनों ने इसे लेकर काम भी शुरू कर दिया है। यहां प्रशासन की मदद से लोगों ने करीब 100 कुओं को वाटर रिचार्ज सिस्टम में बदल दिया है। बारिश का पानी अब इन कुओं में जाता है और कुओं से ये पानी जमीन के अंदर चला जाता है। इससे इलाके में भू जल स्तर भी धीरे धीरे सुधरेगा। अब सभी गांव वालों ने पूरे क्षेत्र के करीब करीब 800 कुएं को रिचार्ज के लिए उपयोग में लाने का लक्ष्य बनाया है। मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने नर्मदा सेवा सेना बनाने का ऐलान किया है। इस अभियान के लिए सोमवार से सदस्य बनाने का काम शुरू किया जाएगा। नर्मदा की आरती के साथ ही अभियान की शुरुआत की जाएगी। कांग्रेस के मुताबिक यह गैर राजनीतिक संगठन नर्मदा के संरक्षण के लिए काम करेगा और स्थानीय नर्मदा भक्त ही अभियान के संवाहक होंगे। ऐसे 28 जिले हैं जहां से नर्मदा नदी गुजरती है, उन जिलों में नर्मदा सेवा सेना बनाई जाएगी। जैसे जैसे हमारी इकाइयां गठित होती जाएंगी, अलग अलग क्षेत्रों पर, अलग अलग किनारों पर अलग अलग समस्याएं, हर जगह समस्याएं एक सी नहीं है। कहीं पर जो है अतिक्रमण की समस्याएं, कहीं पर जो है पर्यावरण की समस्याएं, कहीं पर जो है नाले के मिलने की समस्याएं, जहां पर जो भी समस्याएं होंगी उसके लिए हम लोग वहां पर प्रयास करेंगे। और जैसे जैसे हमारी वहां इकाइयां गठित होती जाएंगी और वहां के जो स्थानीय निवासी जो समस्याओं को सामने लाएंगे उन पर हम लोग काम करेंगे। तो
कांग्रेस जो है अब नर्मदा किनारे बसे जिलों में नर्मदा सेवा सेना का गठन करेगी और इनका मुख्य उद्देश्य होगा नर्मदा नदी के बचाव के लिए काम करना, उसके उत्थान के लिए काम करना और यह जो प्रक्रिया है बहुत जल्द शुरू की जाएगी, ऐसा कहना है कांग्रेस के प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता का। महासमुंद जिले के बाग बहरा विकास खंड के छुईया ग्राम पंचायत के रहने वाले किसान कन्हैया लाल सिन्हा की मौत मामले में जांच रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें पाया गया है कि किसान कन्हैया लाल पर सहकारी बैंक में कोई कर्ज नहीं था और उनके परिवार को शासन की सभी योजनाओं का बेहतर लाभ मिल रहा था। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। महासमुंद जिले के मृतक किसान कन्हैया लाल सिन्हा के मामले में गठित संयुक्त प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन में खुलासा हुआ है कि मृतक किसान के पास सहकारी बैंक से कोई कर्ज नहीं था। मृतक के बेटे के नाम पर महज 7,747 रुपए का अल्पकालिक कर्ज था जो माफ हो गया था। मृतक किसान कन्हैया लाल और उनके बेटे के नाम पर कुल 2.40 हेक्टेयर जमीन है और वे समर्थन मूल्य पर धान की बिक्री करते रहे हैं। मृतक किसान कन्हैया लाल ने बीते 4 सालों में कुल 226 क्विंटल धान 4,34,952 रुपए का समर्थन मूल्य पर विक्रय किया था। जांच के बाद मिली जानकारी के अनुसार किसान परिवार को राजीव गांधी किसान योजना के तहत 38,916 रुपए का लाभांश भी मिला है, साथ ही परिवार को पीएम आवास योजना का लाभ भी हासिल हो चुका है। कन्हैया लाल को चारों किस्त कुल 1,20,000 रुपए प्राप्त हुई थी जिससे उन्होंने पक्का मकान बना लिया था। कन्हैया लाल के परिवार में एक बेटा भागीरथी, दो बेटियां और उनकी पत्नी समेत 4 लोग का परिवार है। आपको बता दें 27 जुलाई को कन्हैया लाल अपने खेत में मृत पाए गए थे, जिसके बाद जिला प्रशासन ने अंतरिम राहत के लिए 20,000 रुपए की तत्काल सहयोग राशि भी नगद परिजन को सौंपी थी। किसान कन्हैया लाल के बेटे भागीरथी ने शासन प्रशासन से मिले सहयोग के लिए आभार जताया है। मेरे को मतलब शासन से 20,000 का स्वीकृति मिला है और विधायक मुख्यमंत्री की ओर से मेरे को 4 लाख का स्वीकृति हुआ है। मैं उसका आभारी हूँ, मैं राज्य सरकार से संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। किसान कन्हैया लाल के निधन के बाद गठित की गई संयुक्त जांच समिति की प्रतिवेदन रिपोर्ट में ये सारी जानकारियां सामने आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। टमाटर की कीमत आसमान छू रही है, रसोई से टमाटर गायब हो रहा है, कीमतों में बढ़ोतरी से महिलाएं परेशान हैं। जगदलपुर मंडी में टमाटर की कीमत 160 रुपए प्रति किलो से ज्यादा है। सब्जी खरीदने पहुंच रहे लोग नाम मात्र के लिए ही टमाटर की खरीदी पा रहे हैं। ग्राहकों का कहना है कि टमाटर की बड़ी कीमतों से उनका मंथली बजट बिगड़ रहा है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि भारी बारिश के चलते टमाटर की आवक नहीं हो रही है, जिसके चलते टमाटर की कीमत बढ़ी हुई है। टमाटर के दरों में वृद्धि होने से जहां ग्राहक परेशान है, वही बेचने वाले के पास भी ग्राहक आ नहीं रहे। आप देख सकते हैं टमाटर का मार्केट है और सुबह से ही जो ग्राहक यहां पर पहुंच नहीं रहे हैं, 180 रुपए किलो यहां पर बताया जा रहा है। ये पता चल सके कि आज रसोई से जो टमाटर है वो गायब नजर आ रहा है। हमारे साथ कुछ गृहिणी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मैडम ये बताइए, आप टमाटर लेने आए थे, क्या है, किस प्रकार की, क्या रेट बता रहे हैं? एक तो अभी मतलब 150 बताया ना, 160 बता रहे हैं अभी। वही तो देख रहे हैं कहाँ थोड़ा सस्ता मिले कि हम लोग ले अपना टमाटर। एक महिला है जो खाने पीना बनाने के लिए रसोई में जाती है, तो रसोई से पूरा टमाटर गैप है। बिना टमाटर का तो मजा नहीं आ रहा सर, तो चाहे 200 रुपये हो जाएगा हम तो लेंगे ही लेंगे टमाटर। लेकिन लेते थे अभी कितना ले रहे हैं? अरे सर पहले तो 20 तक में लिए हैं, 30 तक लिए हैं, 40 तक लिए हैं, अभी अगला हफ्ता 100 में लेके गई, आज देख 160 बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि इन दिनों टमाटर की कीमतों में वृद्धि होने से जहां ग्राहक पहले जो 1 किलो खरीदते थे वो आज 1 पाव खरीद कर अपना काम चला रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप बता सकते हैं कि इस बढ़ती हुई कीमतों पर आप जो स्थिति देखा जा रहा है ये इसमें कम होना चाहिए। और ये भी बताया जा रहा है कि अधिक बारिश के चलते जो फसल जो सामान आने वाला था वो नहीं आ रहा, यही कारण है कि टमाटर के दामों में वृद्धि हो रही है। कैमरे मैन संजू के साथ जीवन हलदार, INH न्यूज, जगदलपुर।